सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया वीडियो लाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई तीसरी कंपनी आज है, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स पे चर्चा करते हैं। 73.71 एंड 73.16 प्रमोटर्स ने जून से लगा के सितंबर तक थोड़ा सा माइन्यूट सा स्टेक इन्होंने खाली किया है, जो कि है केवल 2%। माइन्यूट से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी 73% होल्ड करके चली आ रही थी, पर अभी कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 2% स्टेक को खाली किया है। इसकी वजह से पक्का इसके शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आया होगा, इसकी चर्चा हम देख लेंगे ऊपर चल के। इसी के साथ साथ अगर मैं एफआईआईज की बात करूँ, यहाँ पे कंपनी ने स्टेक नहीं डाला है एफआईआईज ने, ना ही डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने भी स्टेक कंपनी के अंदर नहीं दिखाया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास बना के रखा हुआ है, वही हमें लग रहा है जो प्रमोटर्स ने छोड़ा पब्लिक ने बाई कर लिया। 26.29% से 28.84% पब्लिक की होल्डिंग कंपनी के अंदर चल रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के, अब यहाँ पर प्रमोटर्स की बात हो चुकी है यहाँ से, अब मैं कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूंगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मार्च 2021 से लगा के मार्च 2022 तक ऑलमोस्ट कंपनी की 70-80% कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वहां से इनकम को जनरेट किया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कंपनी ने थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए खर्चा किया है, वहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर भी कंपनी का काफी हद तक फोकस है। इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी, ओवरऑल कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो कि दिखाता है कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो शेयर कैपिटल इनकी ऑलरेडी मेंटेन्ड है पूरी तरीके से। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी ने अपना मार्च से लगा के सितंबर तक 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पैसा इकट्ठा किया है, जो कि दिखाता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर काफी भरोसा है। बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी ने अपनी बोरोविंग्स को खत्म कर लिया है। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो केवल इनके पास 55 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज है, जो कि दिखाता है कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग करने वाली है। ठीक है, इसी के साथ साथ कंपनी के सेल्स की चर्चा करेंगे, प्रॉफिट की चर्चा करेंगे, सीएजीआर की वन टाइम मोमेंट में हम चर्चा कर लेंगे यहाँ से। इसी के साथ साथ आइए चलिए देखते हैं, अगर मैं कंपाउंडिंग सेल्स की बात करें तो बहुत अच्छी सेल्स है। 3 साल की सेल्स बताएं कंपाउंडिंग तो 23% है, जो कि बहुत अच्छी सेल्स है। इसी के साथ साथ कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात करें तो 75% का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। वहीं सीएजीआर की बात करें तो जबरदस्त शानदार और बिल्कुल माला माल तरीके से इन्होंने सीएजीआर पे भी बहुत अच्छा फोकस किया है। इसी के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी से इनका काफी कम जनरेशन हुआ है एज कम्पेयर टू सेल्स और प्रॉफिट देखें, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी ये पॉजिटिव ही है, जो कि दिखाता है कंपनी काफी कुछ बड़ा आने वाले समय में कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ मार्केट कैप देखें, 328 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। तो करेंट प्राइस की चर्चा, आपके सामने करेंट प्राइस आ चुका है, 310 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है इस समय। वहीं स्टॉक के पीई की बात करें तो 9.97 का पीई है, दैट मीन्स की कंपनी थोड़ी सी कम फेमस है। बुक वैल्यू की बात करें तो 81.5 रुपीज है। डिविडेंड की बात करें 0.32% का डिविडेंड यील्ड है। आरओई और आरओसीई की चर्चा मैं कर चुका हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, दैट मीन्स की आने वाले समय में आपको काफी हद तक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जिस शेयर की आज मैं बात कर रहा था वो है शेयर टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, 310 रुपए का इसका शेयर प्राइस इस समय चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपका 1 साल का इस कंपनी का रिटर्न दिखाऊं अगर आपको, तो ये देखिए 93.45% का 1 साल का रिटर्न है, ऑलमोस्ट पैसा डबल कर ही दिया है, केवल 7% बचा हुआ है। वहीं अगर मैं 5 साल की चर्चा करूँ तो 68.98% लॉन्ग टर्म में कंपनी ने पैसा बना के नहीं दिया है, पर अगर मैं मैक्सिमम अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में जाऊंगा तो 1021.56%। दैट मीन्स कि फ्रेंड अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो आपको प्रॉफिट बनना ही बनना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से सेल्स की बात कर लेते हैं यहाँ से, एक चीज रह गई थी हमारी, ये मैंने बात कर लिया। हाँ, सेल्स की बात कर लेते हैं यहाँ से। जून से लगा के सितंबर तक की सेल्स देखिए इनकी कंटिन्यूअसली कंपनी की 107 करोड़ से 182 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गई है। एक्सपेंस की बात करें तो जितना कंपनी ने सेल किया उतना ही उसी प्रोपोर्शनेट में कंपनी ने एक्सपेंस किया, दैट मीन्स की मार्जिन कंपनी को कम मिलते होंगे। ठीक है, अदर इनकम की चर्चा करें कंपनी की, अदर इनकम इनकी कंपनी की काफी हद तक गिर चुकी है इनकी। इसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की चर्चा करेंगे यहाँ से, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रॉफिट इनका, प्रॉफिट में काफी अच्छा उछाल आया है, जो कि दिखाता है कि कंपनी के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। ये देखिए 4 से 7, ये दिखाता है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कंपनी का, चूंकि इनका सेल्स और रेवेन्यू काफी काफी स्मॉल टाइप की कंपनी है, तो उसके लिए 7 रुपए का ईपीएस सफिशियंट है। ठीक है,